हनुमान वज्र को। इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत और महाबली हनुमान के बीच मुकाबला। हनुमान और इंद्रजीत का आमना सामना पहली बार अशोक वाटिका लंका में हुआ था, जब हनुमान जी को सीता माता की खोज में लंका भेजा गया था। सीता माता से मिलने के बाद रावण की शक्ति को परखने के लिए हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। अशोक वाटिका के बड़े बड़े पेड़ों को वो ऐसे उखाड़ के फेंकते के जैसे कोई घास का तिनका हो, और जब उन्हें रोकने के लिए वहाँ के सैनिकों ने उन्हें पकड़ना चाहा, तो हनुमान जी ने उन सबको मौत के घाट उतार दिया। जब इस बात का पता रावण को चला तो रावण ने उसके सेनापति पुत्र के साथ अनेक बलशाली योद्धाओं की टुकड़ियों को भेजा, लेकिन हनुमान जी के सामने कोई टिक न पाया। उसके बाद रावण ने उसके पुत्र अक्षय को भेजा। अक्षय दिल का बुरा नहीं था, लेकिन खुद को साबित करने के लिए वह हनुमान जी से युद्ध करने चला जाता है। जब हनुमान जी और अक्षय का आमना सामना हुआ, तब हनुमान जी अक्षय को मारना नहीं चाहते थे, लेकिन अक्षय की युद्ध करने की जिद के कारण हनुमान जी को उसे मारना पड़ता है। अक्षय की मृत्यु की सूचना सुनकर रावण क्रोधित होकर अपने महाशक्तिशाली पुत्र मेघनाथ को अशोक वाटिका भेजता है और उसे पकड़ लाने को कहता है। मेघनाथ कोई आम राक्षस नहीं था, मेघनाथ एक मायावी और महाशक्तिशाली योद्धा था। जब मेघनाथ का जन्म हुआ तब उसके गले से मेघ गर्जने की आवाज आती थी, इसलिए उसका नाम मेघनाथ रखा गया था। उसके रोने से संपूर्ण गगन कांप उठता था। अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए मेघनाथ ने देवराज इंद्र से युद्ध करके उन्हें बंदी बनाकर घसीटते हुए लंका लेकर आया था। तभी स्वर्ग की व्यवस्था भंग होने के कारण भगवान ब्रह्मा ने इंद्र को मेघनाथ से छुड़ाया और मेघनाथ को इंद्रजीत यह नाम दिया। जब इंद्रजीत का सामना हनुमान जी से हुआ तब इंद्रजीत ने अपने माया जाल से हनुमान जी को भ्रमित कर दिया था, लेकिन जब हनुमान जी को माया जाल का पता चला तब हनुमान जी ने इंद्रजीत को उठाकर दूर फेंक दिया। तभी इंद्रजीत ने गुस्से से हनुमान जी पर तीरों की वर्षा कर दी थी, लेकिन हनुमान जी की गति बाणों की गति से अधिक थी और अपनी आकार बदलने की शक्ति के कारण हनुमान जी आसानी से उन तीरों से बच जाते थे। इन दोनों का युद्ध देख लग रहा था मानो दो गजराज भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े। इंद्रजीत क्षण भर के लिए मूर्छित होकर गिर पड़ा। फिर उठकर उसने बहुत सारे अमोघ बाण चलाए, लेकिन फिर भी इंद्रजीत हनुमान जी को सिद्ध न कर पाया। अब तक उसने अपनी सारी तांत्रिक विद्या और अपने सारे मायावी अस्त्र शस्त्र हनुमान जी पर चलाए, लेकिन हनुमान जी पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अंत में उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और हनुमान जी पर चला दिया। स्मरण रहे, ब्रह्मास्त्र एक महाप्रलंकारी अस्त्र है जो क्षण भर में पृथ्वी का विनाश कर सकता है। इसका इस्तेमाल आम लोगों पे करना वर्जित है। तब हनुमान जी ने मन में विचार किया कि यदि ब्रह्मास्त्र को नहीं मानता हूँ तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी, इसलिए वे ब्रह्मास्त्र का मान रखने के लिए उससे बंध जाते हैं। जब इंद्रजीत ने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं, तब वह उनको नागपाश से बांध कर ले गया। रावण के समक्ष जब हनुमान जी को ले जाया गया तब भी हनुमान जी ने कहा कि भले मैं इस बंधन में बंधा हुआ हूँ, लेकिन मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान ब्रह्मा इंद्र और वायु देव से वरदान प्राप्त है और बंधे रहने में ही लाभ था, क्योंकि तुमसे मिलने का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता था। यहाँ भी अगर मेघनाथ इतना शक्तिशाली और पराक्रमी था तो हनुमान जी को मार क्यों नहीं पाया। अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करके भी मेघनाथ सिर्फ हनुमान जी को बांध ही पाया था। अगर हम युद्ध कांड में देखें तो वहाँ भी मेघनाथ ने दिव्यास्त्र चलाया था, जिससे श्री राम, लक्ष्मण, सुग्रीव, अंगद और सभी सेनाओं के प्रमुख बेहोश हो गए थे। केवल हनुमान जी और विभीषण ही ऐसे थे जिन्हें पर उस दिव्यास्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। और जब मेघनाथ ने लक्ष्मण को अपने दिव्यास्त्र से मूर्छित कर दिया तब वो उन्हें उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन अपना सारा बल लगाकर भी वो उन्हें उठा नहीं पाया था। तब
तब वहां हनुमान जी आ पहुंचे और उन्होंने बिना किसी अस्त्र शस्त्र के मेघनाथ को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन मेघनाथ ने वह स्वीकारा नहीं। तभी भी मेघनाथ ने हनुमान जी पर कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र चलाए, लेकिन हनुमान जी ने उन सब को तबाह कर दिए। फिर हनुमान जी ने मेघनाथ पर एक जोरदार प्रहार किया, जिससे मेघनाथ दूर जाकर गिर पड़ा और वहां से भाग खड़ा हुआ और हनुमान जी लक्ष्मण जी को वहां से ले गए। अगर मेघनाथ हनुमान जी से अधिक बलशाली था तो क्यों हनुमान जी को रोक न पाया? मेघनाथ एक पराक्रमी योद्धा था, लेकिन हनुमान जी से अधिक शक्तिशाली नहीं था। हनुमान जी की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो जब हनुमान जी ने कुंभकर्ण के शक्तिशाली शूल का प्रहार अपनी छाती पर झेल गए थे और तो और उस शूल को तोड़ भी दिया था, जिससे कुंभकर्ण ने लाखों वानरों को मारा था। और तो और हनुमान जी ने रावण को एक मुक्का मारकर अचंभित कर दिया था, जिससे रावण के मुँह से रक्त भी निकल आया था। भले मेघनाथ ने हनुमान जी को थोड़ी बहुत चोटें पहुंचाई हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेघनाथ हनुमान जी से अधिक बलवान थे। हनुमान जी ने मेघनाथ से लड़ते हुए अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया ही नहीं था, जहां मेघनाथ ने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र से भी हनुमान जी को बस बांध ही पाया था। हनुमान जी मेघनाथ से कई अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन उन्हें कभी इस बात का घमंड नहीं था।